Hello everyone, welcome to ATA 24/7. ATA 24/7 Odia YouTube channel. Class apan welcome kor. Ja me general science ro kich important question kore pai jau. Thumbnail content ro apan jani paru chibe. Eta ke ame kon koriba? Aji ame all exam pai coming exam pai jo science question ta important roibo. Ei science question ta ame discussion kore pai jau che. Asha karibi ajra session jo questions आपको एग्जाम पे बहुत हेल्पफुल हो एंड दैट सेशन 1 मिनट ओके हम तो टाइम वेस्ट करबे नहीं स्टार्ट करबा आज रो सेशन स्टार्ट करबा ये भी लमा चल रे साउंड ठीक से तो क्लियर एंड चलो तो स्टार्ट कर देबा आपन माने को मोटिवेट करिया पई तो जानि छथि आपन माने कोनो ना ओडोडे मोटिवेशनल थॉट नै गास्ताय अछि क्लियर साउंड स्लो से बुझि साउंड ता क्लियर से बुझि केबे साउंड क्लियर से बुझि साउंड क्लियर से बुझे बे एबे साउंड क्लियर की क्लियर तो पिला मन आजर मोटिवेशनल थॉट रहउछि फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली अछि तो आपण माने जदि फेल हि चंती ताल आपण को कोन करिया दरकार आपण को जो नेक्स्ट टाइम जो आपण स्टार्ट करिवे इंटेलिजेंटली मीन चतुरतार सो आपण स्टार्ट करंतु एंड आपण सक्सेस पाइबाटा पाइबे पक्का सक्सेस पाइबाटा पाइबे अच्छी आज जदि आपण फेल हि तो भावंतु आपण माने नेक्स्ट गोटे अपॉर्चुनिटीज पाउछंती एंड जो अपॉर्चुनिटीज ता आपण को मिलुची ताकु कोन इंटेलिजेंटली करंतु मींस आपण चतुरता रो सो करंतु आपण को सक्सेस मिलेबाटा मिलबो एंड आपण माने जानि रखिबा दरकार ATA 24/7 स्टोर रे डिफरेंट बेचेस गोटा कछि ता सहित कोन ना ई बुक्स मध्ये अवेलेबल अछि जदि आपण माने चाहुचंती ई बुक्स को परचेस करिया पई Y281 ओके Y281 प्रोमो कोड यूज करि अपन ई बुक्स के एनरोल करि परिबे एंड आपन समस्त कहि रखे अक्टूबर 6 टू आपन माने ई बुक्स कोडा को पाई जे जो माने एनरोल करि छथि अक्टूबर 6 टू आपन कंटीन्यूअसली ई बुक्स पाई जेबे नेक्स्ट संकल्प एंड अभिप्सा दीटा कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑलरेडी ATA 24/7 स्टोर रे अवेलेबल अछि ता सहित प्रतीक्षा जोडा कि आपन मानकर O3SSC रो कंबाइंड एग्जाम जे रिक्रूट करिया पई जाउछि O3SSC ता पई पिला माने कौन ना प्रतीक्षा बेच अच्छे प्रतिज्ञा 2.0 बेच एस आई प्रतिज्ञा 2.0 बेच लॉन्च होती आप चाहते क्लियर Y281 प्रोमो कोड यूज करके बेच को एनरोल करेंगे ओके एंड महापेक प्राइस बहुत कम अच्छे 3403 महापेक भी पाइपारे Y281 महापेक ऑनगोइंग अपकमिंग सब जगह कोर्सेस पाइबे आप महापेक चाहते महापेक को मो प्रोमो कोड को यूज करी ऑल क्लियर बुझी परिले हाँ सब जाक महापेक रे अवेलेबल जितकी भी बैच ऑनगोइंग बैच एंड अपकमिंग जाक महापेक रे रहिबो Y281 प्रोमो कोड को यूज करी महापेक को करंतु ओके चलो तो टाइम वेस्ट करिबानी सेशन को स्टार्ट करी दबा एंड आज हमें किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करिया पई जाउचे वेरी गुड इवनिंग टू ऑल वेरी गुड इवनिंग आशा करबी समस्त पढ़ा थे एंड समस्ते हेल्दी भी थे एग्जाम रो प्रिपरेशन कौन आप परफेक्टली करूबे भी साउंड एवं क्लीयर आसूँगी कनफर्म कले साउंड क्लीयर आसूचना साउंड क्लीयर आसूचना चलतु सेशन को स्टार्ट करने पूर्व मुझे कही रखे Y281 प्रोमो कोड को यूज करूँ कहीं गांधी जयंती स्पेशल अफर अच्छी डबल वैलिडिटी अफर मैंने चाहूँ Y281 प्रोमो कोड को यूज करके बेच को एनरोल करूँ आप डबल वैलिडिटी आज पाई येस और नो मन रखिले अप डाउन होची साउंड साउंड अप डाउन होची एबे एबे सुनिल एबे देखिले साउंड क्लियर आछी बरा एबे साउंड क्लियर आछी ना अच्छा वेरी गुड बहुत बढ़िया फटाफट चलंतु सेशन को स्टार्ट करी दबा एंड आजिरो फास्ट क्वेश्चन आसला फटाफट आंसर कहिबे कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आज आपण मानक सहित डिस्कशन करबा पई जाउची फास्ट क्वेश्चन आसला इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन आंसर कहिबे पिला माने ठीक अछि आपण कहतु ह्यूमन बीइंग्स मीन्स आपणकर आम मानक भितर जो साउंड की प्रोड्यूस करे ओसोफागस प्रोड्यूस करे लारिंग्स प्रोड्यूस करे मेडुला प्रोड्यूस करे नापिग्लोटिस प्रोड्यूस करे साउंड क्लियर आसुनि कि एबे साउंड क्लियर आसला कि साउंड एबे क्लियर आसला कि मते कन्फर्म करि देबे समस्ते साउंड एबे क्लियर आसला हिमांशु प्रभात साउंड क्लियर आसला कि सत्य साउंड क्लियर आसला पर डी कन्फर्म करि देलो बाबा अच्छा ठीक अछि वेरी गुड समस्ते मन रखिले आपणकर जदि एग्जाम रे आसे इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय साउंड को किए प्रोड्यूस करे ना साउंड को प्रोड्यूस करे किए
ना मन रखी लारिंग्स ऑल क्लियर बुझी पाले तो साउंड को प्रोड्यूस करे किए ना लारिंग्स कौन करे ना साउंड को प्रोड्यूस करे ऑल क्लियर बुझी पारिले तो आंसर कौन हम अपना लारिंग्स इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वोकल कॉर्ड प्रेजेंट इन लारिंग्स डाउट क्लियर बुझी पारिले तो लारिंग्स को हम कौन कहे ना लारिंग्स कौन करे ना साउंड को प्रोड्यूस करी थाए ऑल क्लियर बुझी पारिले बट नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मानक पई रखी आपण माने केबे भी कंफ्यूजन हेबेनी सिरिंग्स कथा आसिला तो मते समस्त कहिबे सिरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स ऑफ डैश लारिंग्स ता गुजिन ता में वॉइस बॉक्स कोचे ह्यूमन रो वॉइस बॉक्स कोडा का में कोचे ना लारिंग्स को जिंती ह्यूमन रो वॉइस बॉक्स कोचे सेमिति मते कहिबे क्लियर तमे मते समस्त कहिबो कोन कहिबो ना आपण मानक पई जदी क्वेश्चन आसे सिरिंग्स ता कार वॉइस बॉक्स आसे सिरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स ऑफ सिरिंग्स ता कार वॉइस बॉक्स वेरी गुड इवनिंग सुनीता एंड अदर स्टूडेंट वेरी गुड इवनिंग समस्ते टिके लिंक को शेयर कर दियंतु आपण को फ्रेंड मानक सहित टिके लिंक को फटाफट शेयर करी देबे एंड आपण डिफरेंट टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप रे लिंक को शेयर कर दियंतु मैक्सिमम टू मैक्सिमम लर्नर आम सहित अटैच होबा दरकार सिरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स ऑफ सिरिंग्स ता कार वॉइस बॉक्स आसे तो समस्ते कंफर्म न रे तो आंसर कोन हबो ना बर्ड्स मानकर वॉइस बॉक्स ता कोन आसे ना सिरिंग्स आसे ठीक अछि तो बर्ड्स मानकर वॉइस बॉक्स कोन आसे ना सिरिंग्स आसे सिरिंग्स इज द वोकल ऑर्गन ऑफ बर्ड्स ठीक अछि ये सुनो बुझी पाले तो सिरिंग्स ता कार वॉइस बॉक्स आसे ना सिरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स ऑफ कोन हबो पार्ट्स आसे ऑल क्लियर बुझी पारिले ये सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहबे क्वेश्चन कोन आसला वेरी गुड इवनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी12 तो आपण समस्त आंसर कहबे ए भीतर जो आपण को कैसियो नट्स देला मिल्क देला एप्पल देला एंड वाटरमेलन देला तो क्वेश्चन देला ए भीतर कोटा रे अधिक परिमाण रे विटामिन बी12 अछि विटामिन बी12 कोटा रे अछि कैसियो नट्स रे अछि ना मिल्क रे अछि ना एप्पल रे अछि ना वाटरमेलन रे अछि तो आंसर कहबे वाटरमेलन रे अछि ना एप्पल रे अछि ना मिल्क रे अछि ना कैसियो नट्स रे अछि आपण अनको कहि रखे विटामिन बी12 B12 गोटे कोनो ना वाटर सोल्युबल विटामिन आसे B12 गोटे कोनो आसे ना वाटर सोल्युबल विटामिन आसे विटामिन वाटर सोल्युबल अंडर कोन आसे ना B1 आसे B2 आसे B3 आसे B5 आसे B6 आसे B7 आसे B9 आसे एंड आउ कोन आसे आपण B12 आसे तो मन रखे B1 थायामिन B2 राइबोफ्लाविन B3 नियासिन B5 पांटोथेनिक एसिड B6 पाइरोडॉक्साइन ओके B7 बायोटिन B9 फॉलिक एसिड B12 सियानोकोबालामिन ऑल क्लियर तो विटामिन B12 जडके में सियानोकोबालामिन कोछंती ये गोटे कोन आसे आपण वाटर सोल्युबल विटामिन आसे तास तो मन रखिया दरकार विटामिन सी टा मध्ये गोटे वाटर सोल्युबल विटामिन आसे जार कि केमिकल ने जार कि नेम कोन आसे ना आपण को ना अस्कॉर्बिक एसिड ओके जडके में अस्कॉर्बिक एसिड मध्ये कोछंती तो क्वेश्चंस कोन दला ना विटामिन B12 कोटा रे अधिक परिमाण रे विटामिन B12 अछि क्लियर तो समस्त टिके मन दे कि सुनिबे क्लियर तो समस्त कंफर्म अच्छा दिन रे मिल्क इज द रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन बी12 तो मिल्क रे अधिक परिमाण रे विटामिन बी12 अछि ओके मिल्क रे कोन अछि ना अधिक परिमाण रे विटामिन बी12 अछि जडके हम सियानोकोबालामिन अछि कहउ छथिं ठीक अछि मीट आसला पोल्ट्री आसला फिश आसला एग आसला मिल्क रे अधिक परिमाण रे कोन अछि ना आपणकर कोन अछि ना आपणकर विटामिन बी12 जडके हम सियानोकोबालामिन कहउ छथिं और विटामिन बी12 कहउ छथिं ऑल क्लियर बट फैट सोल्युबल विटामिन आसले समस्त मन रखिबे के ई डी ए एडा जे फैट सोल्युबल विटामिन एंड वाटर सोल्युबल विटामिन जडा कि मु कहिली बी कॉम्प्लेक्स एंड सी आसे ऑल क्लियर बुझी परिले के आपण ए आसले रेटिनॉल डी आसले कैल्सिफेरॉल ई आसले टोकोफेरॉल के आसले फाइलोक्विन ऑल क्लियर बुझी परिले ठीक अछि चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया तो मिल्क रे कोन अछि अधिक परिमाण रे विटामिन बी12 अछि ता सहित मीट आसला फिश आसला एग आसला एटर मध्ये विटामिन बी12 अछि ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहिबे क्वेश्चन आसिला क्लियर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्मड इज कॉल्ड एज डैश क्लियर तो को इंस्ट्रूमेंट द्वारा कोन हमर जो मसल काम करे ताको मेजर करा जाय ओडोमीटर एनोमीटर हाइग्रोमीटर एर्गोमीटर आंसर के कहि परिबे देखियो फर्स्ट आंसर के कहउ छथि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्मड इज कॉल्ड एज डैश ओडोमीटर एनोमीटर हाइग्रोमीटर एर्गोमीटर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ए क्वेश्चन आंसर के कहउ छथि फटाफट देखिबा फर्स्ट आंसर के कहउ छथि क्लियर जल्दी जल्दी आंसर कहिबे जल्दी आंसर कहिबे देखियो फर्स्ट आंसर के कहउ छथि क्लियर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्मड इज कॉल्ड एज डैश तो समस्त मो कथा मन दे छुनिबे बाबा ए क्वेश्चंस एआरआई रे आसीबो कि देखो बाबा आसी पारे न आसी पारे मध्ये ठीक अछि क्लियर एबे मु कहि देबी हां ए क्वेश्चंस एआरआई रे आसीबो जदी न आसीबो तमो माने मते ब्लेम करिवो जे सर आपण बारंबार कहथले क्वेश्चंस एआरआई रे आसीबो बट आसिलानी
ଠିକ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବାବା ଏଇଟା ଏଆର ଆଇରେ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ, ଯୋଉଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ ସେସନ୍ରେ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଆର୍ଆଇ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଅଦର ଏକ୍ସାମ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଛି, ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏମ୍ପିଏସ୍ ଆସୁଛି, କି ଏସ୍ଏସ୍ସି ର ଏକ୍ସାମ୍ ଆସିଲା, କି ଏଆର୍ଆଇ ଏକ୍ସାମ୍ ଆସିଲା, ଅଦର ଏକ୍ସାମ୍ ଆସିଲା, ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ। ତ ଓଡୋମିଟର ଆସିଲେ ମନେ ରଖିବେ ସ୍ପିଡ୍, ଆପଣମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ, ଓକେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଓଡୋମିଟର କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଏନମୋମିଟର ଆସିଲେ ୱିଣ୍ଡ ର ସ୍ପିଡ୍ କୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଏନମୋମିଟର କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତାପରେ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଆସିଲେ କ'ଣ, ହ୍ୟୁମିଡିଟି କୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଏର୍ଗୋମିଟର ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ୱାର୍କ କୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ, ମିନ୍ସ ଏର୍ଗୋମିଟର ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ମେଜରିଂ ଦ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଡନ୍ ବାଇ ହ୍ୟୁମେନ୍ ମସଲ। ତ ହ୍ୟୁମେନ୍ ମସଲ ର ହ୍ୟୁମେନ୍ ମସଲ ଯେକୌଣସି ଯେତିକି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଏର୍ଗୋମିଟର କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ ଅଛି, ଚଲୋ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ ଆପ୍ଲାଏଜ୍ ଟୁ, ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲିୟର, ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର କହିବେ ପିଲାମାନେ? ହଁ ପ୍ରଭାତ, ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏକ୍ସାମ୍ ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏକ୍ସାମ୍ ଥିଲା, ତ ତାର ସିଲାବସ୍ କିଛି ଦେଇନଥିଲା। ଆମମାନେ ଭାବିଲେ, ତମମାନେ ବି ଭାବିଥିଲ ନା ଆନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡାରୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ, ଯଦି ଆନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡାରୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଥାନ୍ତା ତମମାନେ ହିଁ କହିଥାନ୍ତା ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉଟା କରିଥିଲେ ବେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲି କି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖରାପ ହେଇଗଲି କି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ? ଜମା ନୁହଁ। ଯଦି ଆନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡାରୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପକେଇଥାନ୍ତା, ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡାରୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପକେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପକେଇନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲି କି? ମୁଁ ତ ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ନା, ଆସିଥିଲି ନା ଆସିନଥିଲି? ହଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 25ଟା କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଆମେ 20ଟା କ୍ଲାସେସ୍ ସାଇନ୍ସ କରିଛେ, 5ଟା କ୍ଲାସେସ୍ ଆନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡାରୀ କରିଥିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ? ଓକେ, ଆନ୍ସର କହି ଚାଲନ୍ତୁ, ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ ଆପ୍ଲାଏଜ୍ ଟୁ, ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ ଆପ୍ଲାଏଜ୍ ଟୁ ଏନି ପେୟାର ଅଫ୍ ବଡିଜ୍, ଦ ଆର୍ଥ ଏଣ୍ଡ ଦ ମୁନ୍, ଦ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ସନ୍, ଦ ଆର୍ଥ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦର୍ଥ ଏଣ୍ଡ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଅନ୍ ଆର୍ଥ, ଅବଜେକ୍ଟ ଅନ୍ ଆର୍ଥ କହିପାରିବେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଏନି ପେୟାର ଅଫ୍ ବଡିଜ୍, କ୍ଲିୟର, ଏନି ପେୟାର ଅଫ୍ ବଡିଜ୍, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? କ୍ଲିୟର, ଏନି ପେୟାର ଅଫ୍ ବଡିଜ୍, ଦୁଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟର ମାସ୍ ହଉଛି କ'ଣ? କ୍ଲିୟର, ଏମ୍ ୱାନ୍, ନେକ୍ସଟ ଅବଜେକ୍ଟର ମାସ୍ ହଉଛି ଏମ୍ ଟୁ, ଦୁଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଅଛି ନା ଦୁଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ କ'ଣ କହୁଛି? କ୍ଲିୟର, ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ କ'ଣ କହୁଛି ନା କ'ଣ ନା ଏଫ୍, ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ କ'ଣ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେୟାର ମାସେସ, ଓକେ, ମାସ୍ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଏଣ୍ଡ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କ୍ଲିୟର, ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ କ'ଣ ନା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ର ସ୍କୋୟାର ଆର୍ ର ସ୍କୋୟାର, ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଜି ଏମ୍ ୱାନ୍ ଏମ୍ ଟୁ ବାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମନେ ରଖିବେ, ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନଟା କ'ଣ ଅଲ୍ ବଡି ଉପରେ ୱାର୍କ କରେ। ନବ୍ୟା ସେଠୀ, ବିଭୂତି ସାର, ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ର ନ୍ୟୁ ପେଡ୍ ବେଚ୍ ଆସୁଛି କି? ନବ୍ୟା, ସରି, ନବ ସେଠୀ ବାବା, ପେଡ୍ ବେଚ୍ ଅଲରେଡି ଆସୁଛି, ପେଡ୍ ବେଚ୍ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି 7 ଅକ୍ଟୋବର 7ରୁ ଏ ବେଚ୍ଟା ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି, ତମମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବେଚ୍, ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲିୟର, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବେଚ୍ ଆସୁଛି, ତମମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବେଚ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ, କ୍ଲିୟର, ତ ଏନି ପେୟାର ଅଫ୍ ବଡିସ୍ ହବ, ଏ ଅପ୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ, ଏନି ପେୟାର ଅଫ୍ ବଡିସ୍ ହବ, ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସ୍ଟ୍ରେସ୍, ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ର ୟୁନିଟ୍ଟା କ'ଣ, ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ, କିଏ ମୋତେ କହିପାରିବେ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଟ୍ରେସ୍, ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କହିବି, ଦେଖିବା ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ହବ। ତ ମନେ ରଖିବେ, ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ର ୟୁନିଟ୍ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବେ, ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ନା ଫୋର୍ସ ପର୍ ଏରିଆ, ଫୋର୍ସ ର ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ, ଏରିଆର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁଟନ ପର୍ ମିଟର ର ସ୍କୋୟାର, ନ୍ୟୁଟନ ପର୍ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାସ୍କଲ, ମିନ୍ସ ମନେ ରଖି ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ର ୟୁନିଟ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ପାସ୍କଲ, ବଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ତାର ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ କି ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୟୁନିଟ୍ ଲେସ୍, ଠିକ ଅଛି, ୟୁନିଟ୍ ଲେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଲେସ୍, ଯୋଉଟାକି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସେ। ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କଥା ଯଦି ଆସେ ପିଲାମାନେ, ପାଞ୍ଚର ଡିଟା କ'ଣ ଦେଲା, ପାଞ୍ଚର ଡି ନାହିଁ, ଏ ଅପ୍ସନ୍ ଆନ୍ସର ହବ, ହେଲା, ଏନି ପେୟାର ଅଫ୍ ବଢି ହବ, ଆନ୍ସର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଆନ୍ସର ଏନି ପେୟାର ଅଫ୍ ବଢି ହବ। କ୍ଲିୟର, ତ ମୁଁ ରଖେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ୱାଟ ଟା କାର ୟୁନିଟ୍ ନା ପାୱାର ୟୁନିଟ୍ ଆସିଲେ ୱାଟ ଆସେ, ପାୱାର ୟୁନିଟ୍ ୱାଟ ଆସେ, ଷ୍ଟେରେଡିଆନ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସଲିଡ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ୟୁନିଟ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସଲିଡ୍ ଏଙ୍ଗେଲ ୟୁନିଟ୍ ହଉଛି ଷ୍ଟେରେଡିଆନ୍, ଠିକ ଅଛି, ପାସ୍କଲ ଆସିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଆସେ ନା ପ୍ରେସର ଆସେ, ପ୍ରେସର ଆସେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସେ, 1 ମିନିଟ୍, ପ୍ରେସର ଆସେ ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସେ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ଆସେ ନା ପାସ୍କଲ, ଜୁଲ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ୱାର୍କର ଏଣ୍ଡ ଏନର୍ଜିର, ୱାର୍କର ଏଣ୍ଡ ଏନର୍ଜିର, କ୍ଲିୟର, ବୁଝିପାରିଲେ?
ଏନର୍ଜିର ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ନା ଜୁଲ ଆସେ ଆଚ୍ଛା ନବ ଆଚ୍ଛା ତମେ ବିକାଶ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ତ ମନେ ରଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ର କ'ଣ ହବ ନା ନ୍ୟୁଟନ ପର୍ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପାସ୍କଲ ଆସେ ଚାଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସିଲା ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କଏଲ ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କଏଲ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କଏଲଟା କା ଦ୍ୱାରା ଇନଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କଏଲ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କଏଲଟା କା ଦ୍ୱାରା ଇନଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କଏଲ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କଏଲଟା କା ଦ୍ୱାରା ଇନଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ୍ରେ ସେଲସିୟସ ଥୋମାସ ଏଡିସନ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲ ନିକୋଲାସ କାଲନ କାଲାନ ଆନ୍ସର କହିବେ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କହିବେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କଏଲ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ସେଲସିୟସ ଥୋମାସ ଏଡିସନ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲ ଏଣ୍ଡ ନିକୋଲାସ କ'ଣ ଆସେ ବାବା କାଲାନ ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ ଡି ଅପସନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କହିବେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଡି ଅପସନ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ସେଲସିୟସ ତ ହବନି ସେଲସିୟସ ସ୍କେଲ ଆସେ ଥୋମାସ ଏଡିସନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ଆସେ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ଡାଇନାମାଇଟ୍ସ ଆସେ ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନିକୋଲାସ କାଲାନ ହବ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ତ ନିକୋଲାସ କାଲାନ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କଏଲ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କଏଲ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ନିକୋଲାସ କାଲାନ ଆସେ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ଆଣ୍ଡ୍ରେ ସେଲସିୟସ ଆସିଲେ ସେଲସିୟସ ସ୍କେଲ ଆସେ ଥୋମାସ ଏଡିସନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ଆସେ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲ ଆସେ ଡାଇନାମାଇଟ୍ସ ଆସେ ନିକୋଲାସ କାଲାନ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କଏଲ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ଚାଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କହିବେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଦ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଫର୍ମୁଲା ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ କହିଥିଲି 6.67 × 10⁻¹ⁱ ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ପର କେଜି ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଫର୍ମୁଲା ତମମାନେ କହିପାରିବ ୟୁନିଟ୍ କହିଥିଲି ଡାଇମେନ୍ସନ କହିପାରିବନି କି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ କିଏ ମୋତେ କହିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ବା ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଫର୍ମୁଲା ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟର କ୍ଲିୟର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଡାଇମେନ୍ସନଟା କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବେ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କିଏ କହିପାରିବେ ଦେଖିବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଡାଇମେନ୍ସନଟା କ'ଣ ହବ ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାର କି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସେ 6.67 × 10⁻¹ⁱ ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ପର କେଜି ସ୍କୋୟାର ଆସେ ଠିକ ଅଛି ଯାହାର କି ଡାଇମେନ୍ସନ କ'ଣ ରୁହେ ନା m-1 L3 T-2 ରୁହେ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ କିଏ ପ୍ରପାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ନା କାଭେଣ୍ଡିସ୍ ଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ କିଏ ପ୍ରପାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ନା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କାଭେଣ୍ଡିସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ପ୍ରପାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଆପଣ ଡି ଅପସନଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର୍ଥ କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ଟା ଥାଏ ଠିକ ଅଛି କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଥାଏ ଏୟାର୍ଥର ସର୍ଫେସ୍ ରୁ ବା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏୟାର୍ଥର ସର୍ଫେସ୍ ରୁ କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଥାଏ ତ ତମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କେତେ ନା 36,000 କିଲୋମିଟର ଆଲଟିଟ୍ୟୁଡ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ରଖାଯାଏ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ୱାଇ ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫିଲ୍ସ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆମକୁ କାହିଁକି ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ଟା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଭଳି ଫିଲ୍ ହୁଏ ସ୍ଥିର ଭଳି ଲାଗେ ବିକଜ୍ କାହିଁକି ନା ୟାର୍ଥର ରୋଟେସନ୍ ପିରିୟଡ୍ କାହା ସହିତ ସମାନ ନା ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପିରିୟଡ୍ ସହିତ ସମାନ ଯେଉଁଟାକି 24 ଆୱାର ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନାମକୁ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଭଳି ଫିଲ୍ ହୁଏ କେତେ ଆଲଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରଖାଯାଏ ନା ପାଖାପାଖି 36,000 କିଲୋମିଟର ଆଲଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରଖାଯାଏ ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଚାଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କହିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ ଆସିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ଏସ୍କେପ୍ ଭେଲୋସିଟି ଫର୍ ରକେଟ୍ ଟୁ ବି ଲଞ୍ଚ ଇନ୍ ଟୁ ସ୍ପେସ୍ ତ ରକେଟ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଏସ୍କେପ୍ ଭେଲୋସିଟି ଦରକାର ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ଏସ୍କେପ୍ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ରକେଟ୍ ଟୁ ବି ଲଞ୍ଚ ଇନ୍ ଟୁ ସ୍ପେସ୍ ଗୋଟେ ରକେଟ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମିନିମମ୍ ଏସ୍କେପ୍ ଭେଲୋସିଟିଟା କେତେ ଦରକାର ତ ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ ଏସ୍କେପ୍ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ଏୟାର୍ଥ ଆସିଲେ 11.2 କିଲୋମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆସେ ଓକେ ଏସ୍କେପ୍ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ମୁନ୍ ଆସିଲେ 2.4 କିଲୋମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆସେ ତ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଏସ୍କେପ୍ ଭେଲୋସିଟି ଦରକାର ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା 11 କିଲୋମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ସି ଅପସନ୍ କ'ଣ ହବ ତମର ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ସି ଅପସନ୍ଟା ଆସିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏସ୍କେପ୍ ଭେଲୋସିଟିକୁ ଆମେ ଡିରାଇଭ୍ କରୁଛେ କେମିତି ନା ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ 2gm/r ଏମ୍ ହେଉଛି ମାସ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର୍ ଆର୍ ହେଉଛି ରେଡିୟସ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର୍ ଜି ହେଉଛି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଭି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ନା 11.2 କିଲୋମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆସେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଏସ୍କେପ୍ ଭେଲୋସିଟି ଆସେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଏୟାର୍ଥର ଏସ୍କେପ୍ ଭେଲୋସିଟିଟା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ମୁନ୍ର ଏସ୍କେପ୍ ଭେଲୋସିଟି କେତେ ନା ମୁନ୍ର ହେଉଛି କେତେ ନା ମୁନ୍ର ହେଉଛି 2.4 କିଲୋମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆସେ ମୁନ୍ର ଏସ୍କେପ୍ ଭେଲୋସିଟି କ୍ଲିୟର ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟୁଇନ୍ ସେଲସିୟସ୍ ସ୍କେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲ୍ ସେଲସିୟସ୍ ଏଣ୍ଡ ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲ୍ ର ରିଲେସନ୍ଟା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟୁଇନ୍ ସେଲସିୟସ୍ ସ୍କେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲ୍ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର କହିବି ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ କହୁଛନ୍ତି
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल? आंसर सी ऑप्शन सी ना बी तो समस्त मन रखिबे आंसर सी हबो के एफ माइनस फार्मूला कोन एफ माइनस 32/180 इज इक्वल टू सी बाय 100 इज इक्वल टू आर बाय 80 इज इक्वल टू के माइनस 273/100 क्लियर बुझि परिले तो आंसर कोन हबो आपनकर ना सी ऑप्शन टा राइट आंसर हबो सी टा अछि ना रे एफ माइनस सॉरी पिला माने भूल कहले बीटा हबला एफ माइनस ना रे एफ माइनस बी ऑप्शन राइट आंसर हबला बीटा हबला एफ माइनस ऑफ मींस बीटा हबला एफ माइनस 32/180 सॉरी पिला माने बी राइट आंसर हबला बीटा हबो ओके एफ माइनस 32/180 सी बाय 100 सॉरी बीटा राइट आंसर हबला ओके क्लियर एफ माइनस 32/180 इज इक्वल सी बाय 100 बीटा राइट आंसर हबो क्लियर आपण अनु को कहि रखे यदि सेल्सियस स्केल एंड फार आपण और केल्विन स्केल भीतर आसेले सी इज इक्वल टू कोन आसे ना के माइनस 273 आसे यस ऑर नो क्लियर सॉरी पिला माने बीटा राइट आंसर होला बीटा होला बाय मिस्टेक सी एच बी आंसर हो नेक्स्ट क्वेश्चंस कोन गला इफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए फ्री फॉल लिसन कंसंट्रेट करके सुनिबे हां बाबा बी हो राइट आंसर ओके इफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए फ्री फॉल ओके बोल रहा बी हो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोन गला इफ एन ऑब्जेक्ट ऑन फ्री फॉल क्लियर ए सर्टेन हाइट कोटे सर्टेन हाइट टू ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होची रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकंड केते समय रे ग्राउंड को टच कला 1 सेकंड रे What is its velocity on the impact with the ground? ताले velocity टा केतर रहेबा पछियाला clear ground को touch करिया पूर्व त velocity केतर रहे पछियाला गोटे body free fall होची clear and केते समय रे से ground को touch करछना 1 second ताले पछियाला त velocity टा केतर रहेबो फटाफट आंसर कहबे केतर रहेबो के मते कहि परिबे 4.9 मीटर पर सेकंड ना 9.8 मीटर पर सेकंड ना 14.7 मीटर पर सेकंड ना 19.6 मीटर पर सेकंड कुल्लू आंसर कोन हो बाबा कुल्लू आंसर कोन हो ये मत आंसर कोई परे सेशन को समस्त लाइक करिवे ईच एंड एवरी स्टूडेंट सेशन को लाइक करिवे आंसर कोन हबो आंसर टा इजी क्वेश्चन टा एटा आंसर टा बहुत इजी क्वेश्चन टा केतो आंसर आपन को आंसर आसीबो आपन को बी ऑप्शन राइट आंसर हबो दैट इज कोन ना आपन को 9.8 मीटर पर सेकंड v इज इक्वल टू कोन ना u प्लस gt ना v इज इक्वल टू u प्लस gt v इज इक्वल टू केते आसे आपन u टा 0 ना इनिशियल वेलोसिटी टा 0 रहउची फाइनल आपन को कोन ना v इज इक्वल टू कोन टी इज इक्वल टू कोन आपनकर यू प्लस जी टी आसीबो तो 0 प्लस 9.8 इनटू 1 इज इक्वल टू केतना 9.8 मीटर पर सेकंड आसीबो ठीक अछि 9.8 आसीबो आपन आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला मन देखि सुनिबे क्वेश्चंस कोन देछि ना क्वेश्चंस देला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए प्लैनेट डिक्रीजेस विथ डैश आपनकर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टा केतले कमीबो बाबू सब जक इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कोडा को सब जक इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कोडा को देखियो फर्स्ट आंसर की पूछछन क्वेश्चन देला acceleration due to gravity on a planet decreases with dash ketole kamibo mu tamaku barambar kahichi mu tamaku barambar kahichi authre bi kahi douchi clear authre bi kahuchi kono na yochi apan earth ase yochi apan kor center ase yochi equator yochi pole ti ta na maximum rahibo mo kotha concentrate kariki sunibo pila mane maximum rahibo kodi na pole re thik achi minimum rahibo kodi anjali kodi koithili classes re ना मिनिमम रहिबो कोठी ना इक्वेटर रे ओके इक्वेटर कोन रे ना मिनिमम डेप्थ रे कोन हबो ना डेप्थ रहिबो डिक्रीज हबो डेप्थ रे ठीक अछि डिक्रीजेस अल्टीट्यूड रे कोन हबो अल्टीट्यूड रे मध्ये डिक्रीजेस हबो ओके डिक्रीजेस सेंटर रे कोन हबो ना सेंटर रे कोन ना जीरो हबो सरफेस रे कोन हबो कहिथिलि ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सरफेस रे एंड मन रखिबो जदि कोन आथे ना कोन आसे ना आपनकर जदि एंगुलर स्पीड ता बढी गला या अर्थ ताले जी ता कोन हबो ना डिक्रीज हबो एंगुलर स्पीड बढ़ी ले जी कौन हबो ना डिक्रीजेस एंड जदी क्वेश्चन आसला एंगुलर स्पीड जदी कमी होला त जी कौन हबो ना इंक्रीजेस ऑल क्लियर बारंबार कहितली क्वेश्चंस आसला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट डिक्रीजेस विद डैश डिक्रीजेस इन रेडियस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेस इन द मास ऑफ द प्लैनेट डिक्रीज इन द मास ऑफ द बॉडी आंसर कौन हबो आंसर कौन हबो आपण आंसर कौन हबो ना डी ऑप्शन द राइट आंसर हबो यस ऑर नो डी राइट आंसर हबो ना हबोनी अरे कोन दला डिक्रीजेस विद द रेडियस ऑफ द प्लैनेट दला इंक्रीजेस इन द मास ऑफ द प्लैनेट दला डिक्रीजेस इन द मास ऑफ द बॉडी दला इंक्रीजेस इन द अल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट ओके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दा आंसर कोन हबो कोन आंसर कोन हबो आंसर कोन हबो आंसर
କେତେବେଳେ କମିବ କେତେବେଳେ କମିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲଟିଟ୍ୟୁଡକୁ ଯିବା ଆରେ ବାବା ଟିକେ କନସେନଟ୍ରେଟ୍ କର କ'ଣ କହିଲି କେତେବେଳେ କମିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲଟିଟ୍ୟୁଡକୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଆଲଟିଟ୍ୟୁଡଟା ବଢି ବଢି ଯିବ ଆସିଲେସନ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟିଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କମି କମି ଯିବ ଆନ୍ସର୍ ଆରେ ବାବା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ତାହେଲେ ଆଲଟିଟ୍ୟୁଡକୁ ଯିବ ଆଲଟିଟ୍ୟୁଡଟା ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛି ଆସିଲେସନ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟିଟା କ'ଣ ମାନେ କମିବ ନା କମିବନି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଆଲଟିଟ୍ୟୁଡକୁ ଯିବ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ କମିଲା ମିନ୍ସ କ'ଣ ହେବ ଡି ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖେ ମୋ କଥା କନସେନଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବ କ'ଣ କହିଲି ମାକ୍ସିମମ୍ ଏଟ୍ ପୋଲ ମିନିମମ୍ ଏଟ୍ ଇକ୍ୱେଟର ସେଣ୍ଟରରେ ଜିରୋ ସର୍ଫେସରେ 9.8 meter per second square ଆଲଟିଟ୍ୟୁଡରେ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଡେପ୍ଥରେ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଓକେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ଭେଲୋସିଟି ଯଦି ବଢ଼ିଲା ଆଙ୍ଗୁଲାର ଭେଲୋସିଟି ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଲାର ସ୍ପିଡ୍ ଯଦି ବଢ଼ୁଛି ଜି କମିଯିବ ଆଙ୍ଗୁଲାର ସ୍ପିଡ୍ କମିଗଲେ ଜିଟା କ'ଣ ନା ବଢ଼ିଯିବ ଚାଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ଇଫ୍ ଦ ରେଡିୟସ୍ ଲିସନ୍ ବାବା କନସେନଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବ କି କନସେନଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆନ୍ସର କହିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି କନସେନଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବେ ଆନ୍ସର କହିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଇଫ୍ ଦ ରେଡିୟସ୍ ଅଫ୍ ୟାର୍ଥ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଠିକ ଅଛି ୟାର୍ଥ ରେଡିୟସ୍ ଟା କମି ଯାଇଛି ଦେଲା ଇଫ୍ ଦ ରେଡିୟସ୍ ଅଫ୍ ୟାର୍ଥ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ମାସ୍ ରିମେନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ମାସ୍ ଟା କ'ଣ ନା ସେମ୍ ରହୁଛି ରେଡିୟସ୍ ଟା କମିଛି ଠିକ ଅଛି ରେଡିୟସ୍ ଟା କମିଛି ମାସ୍ ଟା ସମାନ ରହୁଛି ତ ପଚାରିଲା ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଆସିଲେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି ୱିଲ୍ ବି ଟେସ୍ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କହିବେ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ଇଫ୍ ଦ ରେଡିୟସ୍ ଅଫ୍ ୟାର୍ଥ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ୟାର୍ଥ ରେଡିୟସ୍ ଟା କମିଲା ବଟ୍ ମାସ୍ ଟା ସମାନ ଅଛି ପଚାରିଲା ଆସିଲେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି କ'ଣ ହବ ଆସିଲେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି ଟା କ'ଣ ହବ ଡିକ୍ରିଜେସ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ରିମେନ୍ ସେମ୍ ବିକଜ୍ ବିକମ୍ସ ଜିରୋ କିଏ ମତେ ଆନ୍ସର କହିବେ ସବୁଯାକ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢିକି ଆନ୍ସର କହିବେ ଭଲସେ ପଢିକି ଆନ୍ସର କହିବେ ମାସ୍ ସମାନ ରହୁଛି କ'ଣ କମିଯାଉଛି ରେଡିୟସ୍ ଟା କମିଯାଉଛି ତାହେଲେ ପଚାରିଲା ଆସିଲେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି ଟା କ'ଣ ହବ ପଚାରିଲା ଆସିଲେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି ଟା କ'ଣ ହବ ପଚାରିଲା କ'ଣ ହବ ବି ହବ ଚାଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ କ୍ଲିଅର ମନେ ରଖିଲେ ଆସିଲେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି ଟା କ'ଣ ହବ ନା ବଢିଯିବ ଠିକ ଅଛି କ୍ଲିଅର ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆସିଲେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି ଟା ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟା ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ଦ ରେଡିୟସ୍ ଅଫ୍ ୟାର୍ ରେଡିୟସ୍ ଯଦି କ'ଣ ହଉଛି ନା କମୁଛି ତାହେଲେ ଜିର ପରିମାଣ ଆସିଲେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି ଟା କ'ଣ ହବ ନା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହବ ଅଲ୍ କ୍ଲିଅର ଚାଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ତ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ହବ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ମୁନ୍ସ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ଓକେ ଏ ଭିତରୁ ପଚାରିଲା କୋଉଟା କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଟା ଠିକ ଅଛି ମୁନ୍ସ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/6 ଅଫ୍ ୟାର୍ଥ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ମୁନ୍ସ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/6 ଅଫ୍ ମାସ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ମୁନ୍ସ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/8 ଅଫ୍ ୟାର୍ଥ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ମୁନ୍ସ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/8 ଅଫ୍ ମାସ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ କହିବେ କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର ଦେଖିବ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଏଇଟା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ମୁନ୍ସ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/6 ଅଫ୍ ଏୟାର୍ଥ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ପଚାରିଥିଲା ଏ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଭିଙ୍ଗ ମାସ୍ ଦେଇଥିଲା ଏ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଭିଙ୍ଗ ମାସ୍ କେତେ ଦେଇଥିଲା ନା 30 kg ଦେଇଥିଲା ଏୟାର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍ରେ 30 kg ଦେଇଥିଲା ପଚାରିଲା ମୁନ୍ ସର୍ଫେସ୍ରେ ତାର ୱେଟ୍ କେତେ ହବ ତ କ'ଣ ହବ ରେ ବାବା 30 × 9.8/6 କେତେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 49 N ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ୱେଟ୍ ପଚାରିଥିଲା ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସିପାରେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଏ ଅପସନ୍ଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କହିବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆଇ ଡିସଅର୍ଡର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଲେଜି ଆଇ କୋ ଆଇ ଡିସଅର୍ଡରକୁ ଆମେ ଲେଜି ଆଇ କହୁଛନ୍ତି ହାଇପର ମେଟ୍ରୋପିଆ ମାୟୋପିଆ ପ୍ରେସ୍ ବାୟୋପିଆ ନା ଆମ୍ପ୍ଲିଓପିଆ କୋଉଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଜି ଆଇ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କିଏ କହିପାରିବେ ମତେ କହିପାରିବେ କିଏ ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆଇ ଡିସଅର୍ଡର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଲେଜି ଆଇ କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଲେଜି ଆଇ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହିପାରିବେ ଲେଜି ଆଇ କୋଉଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର କହିବେ ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆଇ ଡିସଅର୍ଡର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଲେଜି ଆଇ କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଲେଜି ଆଇ କହୁଛନ୍ତି ହାଇପର ମେଟ୍ରୋପିଆକୁ ନା ମାୟୋପିଆକୁ ନା ପ୍ରେସ୍ ବାୟୋପିଆକୁ ନା ଆମ୍ପ୍ଲିଓପିଆକୁ ସମସ୍ତେ କନସେନଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବେ କ୍ଲିଅର ତ ମନେ ରଖିବେ ଲେଜି ଆଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଲେଜି ଆଇ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲିଅର କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଲେଜି ଆଇ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମ୍ପ୍ଲିଓପିଆ ଆମ୍ପ୍ଲିଓପିଆଟାକୁ ଆମେ ଲେଜି ଆଇ ଡିସଅର୍ଡର ବା ଲେଜି ଆଇ କୋଉଟାକୁ ଆମ୍ପ୍ଲିଓପିଆକୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ହାଇପର ମେଟ୍ରୋପିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲଙ୍ଗ ସାଇଟନେସ୍ ମାୟୋପିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ସର୍ଟ ସାଇଟନେସ୍ ଅଲ୍ କ୍ଲିଅର ଏଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବେ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେସ୍ ବାୟୋ ବା ଯୋଉଟା ଆମେ 40 କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମାୟୋପିଆ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି କନକେଭ ଲେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ହାଇପର ମେଟ୍ରୋପିଆରେ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଏଣ୍ଡ ଆମ୍ପ୍ଲିଓପିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲେଜି ଆଇ ଡିଜିଜ୍ ଅଲ୍ କ୍ଲିଅର ଆମ୍ପ୍ଲିଓପିଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଲେଜି ଆଇ କହୁଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଡି ଟା ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କହିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଲା
which of the following part of human body releases carbon dioxide brought in by the blood from the rest of the body? Answer kahibe, answer kahibe, jaldi answer kahibe. Which of the following parts of human body releases carbon dioxide brought in by the blood from the rest of the body? Jaldi answer kuhantu. Alveoli hobo, apna larynx hobo, na trachea hobo, na bronchi hobo. Apna ne samaste question answer kahibe. समस्त क्वेश्चन आंसर कोई परिबे ए क्वेश्चन आंसर कोन होबो आपनन को मन रखिया दरकार आपनन को मन रखिया दरकार आपन को कोन ना ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करे कि करूची ना लंग्स करूची तो जदी फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स दैट इज अल्वियोली आंसर कोन अल्वियोली होबो यस ऑर नो अल्वियोली होबो ना होबनी काई ना ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करे बाबा लारिंग्स होबनी बाबा लारिंग्स होबनी अरे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करूची कि ए लंग्स करूची लंग्स जदी फंक्शनल यूनिट असले कोन होबो सी होची आपनर कोन ना लंग्स रो फंक्शनल यूनिट होची अल्वियोली प्रॉपर आंसर कोन बन अल्वियोली होबो ठीक अछि क्लियर बुझि पारले इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम ओके क्लियर तो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करे किए ना लंग्स लंग्स रो फंक्शनल यूनिट होची अल्वियोली आंसर कोन बन अल्वियोली ओके जदी न्यूरॉन आस्तांता नर्भस सिस्टम रखो ना ब्रेन नर्भस सिस्टम फंक्शनल सेल बॉडी रो फंक्शनल नेफ्रोन आता किडनी रो फंक्शनल अल्वियोली लंग्स रो फंक्शनल लारिंग्स टा वॉइस बॉक्स आसे चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट पाइनएप्पल इज ए डैश प्लांट पाइनएप्पल टा गोटे को टाइप रो प्लांट टा आंसर कहिबे पाइनएप्पल इज ए व्हिच टाइप ऑफ प्लांट हाइग्रोफाइट्स मेसोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स जेरोफाइट्स आंसर कौन सी आंसर कहिबे पाइनएप्पल इज ए डैश टाइप ऑफ प्लांट पाइनएप्पल टा गोटे को टाइप रो प्लांट लिसन बाबा तो समस्त मन रखिबे पाइनएप्पल आसला पाइनएप्पल गोटे कंटा जातीय गछ ना तो कंटा जातीय गछ आसले सी को टाइप रो प्लांट हबो आपनक आंसर कोन हबो बाबू के मते कहि परिबो को आंसर कोन हबो आर आंसर समस्त मन रखिबे एटा गोटे कोन ना पाइनएप्पल गोटे जेरोफाइटिक प्लांट जार कंटा थाए तो कहबे जेरोफाइट कहचोती तो पाइनएप्पल इज व्हिच टाइप ऑफ प्लांट पाइनएप्पल सपुरीटा को टाइप रो प्लांट आसे पाइनएप्पल इज ए जेरोफाइटिक प्लांट ऑल क्लियर बुझी पारिले क्लियर जेडा कि कोन फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर बा स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जे बची थाए त हमें जेरोफाइटिक प्लांट कोचन तो पाइनएप्पल इज ए जेरोफाइटिक प्लांट आसे आउट क्लियर चल वेरी गुड नेक्स्ट इटा इजी क्वेश्चन रे एटा समस्त कहि देबे मु जानि छी कोन आसीला द ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी टास्क दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू शुगर मते फटाफट आंसर कहिबे देखियो फर्स्ट आंसर की कहउछंती ह्यूमन सालिवारे गोटे एंजाइम अच्छी जे कि जार ना कि सालिवारी डैश जे कि कौन करे ना स्टार्च को ब्रेक डाउन करी थाए स्टार्च को ब्रेक डाउन करी थाए कौन आंसर तो तुम समस्त कहि दबो सर सालिवारी कौन हबो ना सालिवारी अमाइलेज हबो सर राइट आंसर मींस आपन को बी ऑप्शन टा राइट आंसर हबो तो सालिवारी अमाइलेज का को डाइजेस्ट करे ना सालिवारी अमाइलेज कौन करे ना आपन को स्टार्च को डाइजेस्ट करी थाए ऑल क्लियर बुझी परिले क्लियर एंड सालिवारे कोन छ आपण सालिवारी अमाइलेज छ जे कि कोन करे ना स्टार्च को डाइजेस्ट कराई थाए ठीक छ आंसर कोन आपण करो ना सालिवारी अमाइलेज हबो ठीक छ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहिबे क्वेश्चंस कोन आसला इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आसे एग्जाम रे कोन आसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चन दला 1 मिनट क्वेश्चन कोन दला ना नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लेके हमें कोन कुछ एनबीएचसीपी कोछंती ठीक छ एनबीएचसीपी कोन ना नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम ओके प्रोग्राम जेडा कि एनबीएचसीपी कहउछंती एम टू अचीव कंट्री वाइड एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी बाय डैश ओके को वर्ष भितरे कोन हबो ना कंट्री रु कोन ना हेपेटाइटिस सी वायरस टा एलिमिनेट हबो आंसर कहि परिबे 2025 2028 2030 2022 आंसर कहि परिबे को वर्ष भितरे कोन हबो ना एनबीएचसीपी कौन करी ना टारगेट करी कौन करी बा एम करी कौन करी ना आमर कंट्री रु हेपेटाइटिस सी वायरस टा पूरा पूरी एलिमिनेट हो पार तो समस्त कनसेंट्रेट करके शुणे क्वेश्चन टाइम एग्जाम इंपोर्टेंट हो पारे आंसर कौन हम ना एनबीएचसीपी बा नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम एम्स टू अचीव कंट्री वाइड एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी इन 2030 मसीहा भितर कंट्री रु कौन हम आपर हेपाटाइटिस सी वायरस का एलिमिनेट हाँ टारगेट रखी किए ना नेशनल वायरल हेपाटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड एज एनबीएचसीपी ऑल क्लियर बुझी पारे आपके एग्जाम क्वेश्चन मध्य मे बी आसी पारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर समस्त कहिबे क्वेश्चन कौन आसला गैस इज वन ऑफ द लिक्विड लिक्विड्स कॉमनली यूज्ड इन
लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर तो मते कहि परिय पिला माने कोटा ग्लास थर्मोमीटर रे को लिक्विड को यूज करा जाय लिक्विड नाइट्रोजन को ना लिक्विड आपण अल्कोहल को वाटर को ना लिक्विड हाइड्रोजन को यूज करा जाय फटाफट आंसर कहिबे क्वेश्चन आसला आपण ने कहि परिबे कि कोन ना ग्लास थर्मोमीटर रे को लिक्विड को यूज करा जाय लिक्विड नाइट्रोजन अल्कोहल वाटर या लिक्विड हाइड्रोजन जल्दी जल्दी आंसर कहले देखियो फर्स्ट आंसर की कहउ छेंती अल्कोहल हब कि अल्कोहल हब कि सत्य अल्कोहल हब कि बिंदुश्री डॉक्टर ऑफिशियल पप्पू गायत्री दीप्तिमय वनिता विश्वजीत नव हिमांशु चलो रोल नंबर 1 चिन्मय सुनीता चलो वेरी गुड बहुत बड़ा तो कौन कहउछंती ना अल्कोहल समस्त कहउछंती बी ऑप्शन कहउछंती अच्छा क्लियर तो समस्त मन रखिबे अल्कोहल को यूज करा जाय जड़े कि ग्लास थर्मोमीटर रे ऑल क्लियर बुझी परिले ये सर नो मन रखी पिला माने कोन हो थोड़ा यूज करा जे ना अल्कोहल डाकू यूज करा जे एंड अपना जान छन अल्कोहल रो बॉइलिंग पॉइंट ता केते आसे ता पाखा पाखी 78 डिग्री सेंटीग्रेड आसे ठीक अछि क्लियर बुझी परिले समस्ते चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर समस्ते कहिले क्वेश्चन आसला ए क्वेश्चन ता समस्ते कहि देबे कि समस्ते कहि देबे क्वेश्चन दला अलियम सेपा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गैस अरे रोल नंबर 1 कहिली हमरो मनीषा खुंटिया ना कहिनी किंती तमो ना कहि छी आंसर कोन अलियम सेपा कार साइंटिफिक नेम एटा इजी क्वेश्चन ता समस्त कहि दबो आंसर कोन अलियम सेपा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अलियम सेपा टा कार साइंटिफिक नेम अलियम सेपा की कोई परे आंसर तो समस्त मन रखिबे अलियम सेपा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कार आसे ना ऑनियन आसे ठीक अछि क्लियर मन रखिल अलियम सेपा कार साइंटिफिक नेम आसे ना ऑनियन रो साइंटिफिक नेम ठीक अछि बुझि परले त आंसर कोन हो ना अलियम सेपा कार साइंटिफिक नेम आसे ना ऑनियन रो नेक्स्ट क्वेश्चन देला गैस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ऑर्गन्स आंसर कोइबे फटाफट आंसर कोइबे क्लियर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ऑर्गन्स कार स्टडी को हमें कहउ छेंती क्लियर गैस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ऑर्गन्स इकोलॉजी एनाटॉमी माइकोलॉजी नॉन ऑफ द अबव जल्दी आंसर कहिबे एनाटॉमी ना एनाटॉमी कहउ छेंती अच्छा एनाटॉमी कहउ छेंती ताले मते कहले इकोलॉजी अपन जानिले माइकोलॉजी त अपन जानि छथि कि अर्नेस्ट हाकेल फादर ऑफ इकोलॉजी ओके एंड एनाटॉमी जानिले एंड माइकोलॉजी मींस कोन आसे अपन रो मायोलॉजी त मसल आसे माइकोलॉजी आसे फंगी आसे ना कोन जे फंगी आसे ना अच्छा एनाटॉमी आसीबो ना राइट आंसर तो बी ऑप्शन द राइट आंसर हो कुछ क्लियर बुझी परिले इकोलॉजी मींस अपन जानि रखिया दरकार इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन कोन ना बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट ओके क्लियर नेक्स्ट है माइकोलॉजी मींस अपन जानिले फंगी जानिले एंड एनाटॉमी मींस कोन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ऑर्गन्स आसे ठीक अछि तो आंसर हबो एनाटॉमी आसीबो चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चंस कहबो पूर्वर मु कहि रखी अपन माने समस्त जानि रखिया दरकार चाणक्य बेच जेडे के फाउंडेशन बेच बीडी ओटीटी एंड सीटीटी पई लॉन्च होबा पई जाउ छी जे अपन चाहौ छन बेच के एनरोल करि परबे एंड मो प्रोमो कोड अपन जानि छन Y281 प्रोमो कोड को यूज करि परबे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहिबे क्वेश्चन आसला लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश रो लोकोमोटरी ऑर्गन ता कोन लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश रो लोकोमोटरी ऑर्गन ता आंसर कोन लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश रो लोकोमोटरी ऑर्गन कोन स्टारफिश रो लोकोमोटरी ऑर्गन ता कोटा ओडो आंसर तो मन रखिबे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आसी पारे काहे ना स्टारफिश वाला क्वेश्चंस मध्ये आपण को एग्जाम रे आसीथिला आपण लाइव स्टॉक रे आसीथिला स्टारफिश वाला क्वेश्चंस आसी छि ना आसीनी तो लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश रो लोकोमोटरी ऑर्गन ता असले कोन हो तो मन रखिबे पिला माने क्यूफिट ता लोकोमोटरी ऑर्गन आसे स्टारफिश रो लोकोमोटरी ऑर्गन ता कोडा से ना क्यूफिट आसे डाउट क्लियर तो मन रखिबे लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश दैट इज कॉल्ड एज क्यूफिट ठीक अछि वेरी गुड बहुत बढ़िया ट्यू फिट आस राइट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन आसला एटा इजी क्वेश्चन ता हम समस्त कहि दबरे
ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ सेल कोडा को हम ब्रेन ऑफ सेल कहउछंती ब्रेन ऑफ सेल कोडा को हम ब्रेन ऑफ सेल कहउछंती किछि क्वेश्चंस पछरिबे कोडा को हम ब्रेन ऑफ सेल कहउछंती क्लियर जदी क्वेश्चन आसला मते कहिबो कोडा को हम कोन कुछे ना प्रोटीन फैक्टरी कोडा कुछ मते कहिबो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स कथा मु गोटे तो पछरिली तमको ब्रेन ऑफ सेल मते कहिबो कोडा को हम प्रोटीन फैक्टरी कोडा कहउछंती ओके कोडा को हम माने को सेल ऑर्गेनेल्स को हम सुइसाइडल बैक कहउछंती ओके कोडा हमें ब्रेन ऑफ सेल कहउछंती फटाफट आंसर कहिबे तमान जानि लो ब्रेन ऑफ सेल आसले कोन हो न्यूक्लियस को हमें ब्रेन ऑफ सेल कहउछे प्रोटीन फैक्ट्री कोन ताकु प्रोटीन फैक्ट्री हमें का कहउछंती प्रोटीन फैक्ट्री कोडा हमें प्रोटीन फैक्ट्री कहउछंती वेरी गुड राइबोसोम को हमें प्रोटीन फैक्ट्री कहउछंती सुइसाइडल बैग और सुइसाइडल पिल ना बाबा प्रोटीन फैक्ट्री टा लाइसोजोम हबनी सत्य सत्य प्रोटीन फैक्ट्री टा लाइसोजोम हबनी बाबा राइबोसोम टा प्रोटीन फैक्ट्री लाइसोजोम होची सुइसाइडल बैग और सुइसाइडल पिल बाबू नेक्स्ट टाइम भूल हबनी बाबा सत्य जेमती नेक्स्ट टाइम मु तमे फुल आंसर जेमती कहिबोनी क्लियर प्रोटीन फैक्ट्री टा बाबा राइबोसोम आसे ठीक अछि एंड सुइसाइडल बैग टा बाबू लाइसोजोम आसे ठीक अछि ऑल क्लियर बुझि परिलो बाबू चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया क्लियर एंड ब्रेन ऑफ सेल आसले कोन बा ना न्यूक्लियस को हम कोन कहुचे ना ब्रेन ऑफ सेल कहउछन ठीक अछि चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया मन रखले समस्त सुना पिला समस्त क्लियर तो आंसर कौन हम कोड़ा को ब्रेन ऑफ सेल ना न्यूक्लियस को हम कौन कहे ना ब्रेन ऑफ सेल कहते ठीक अच्छे क्लियर एंड मन रखिए न्यूक्लियस सेल न्यूक्लियस को किए मैंने किए डिस्कवर कर नेम करते किए जो क्वेश्चन सेल न्यूक्लियस वाज गिवन इट्स नेम बाय रॉबर्ट ब्राउन आंसर कौन हम ना रॉबर्ट ब्राउन आसो ठीक अच्छे क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कहे क्वेश्चन आसला कौन एग्जाम क्वेश्चन आसे लंग्स आर एनक्लोज्ड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग मेम्ब्रेन तो को मेम्ब्रेन द्वारा ठीक अच्छे क्लियर को मेम्ब्रेन द्वारा लंग्स टा कवर हेथाय ओके लंग्स रो आउटर कवरिंग को हमें कोन कहउछंती ना लंग्स रो आउटर कवरिंग को हमें कोन कहउछंती तमे लंग्स कथा कहिबो मते तापर कहिबो तमे हार्ट कथा मध्ये कहिबो ओके हार्ट कथा मध्ये कहिबो क्लियर एंड मते ब्रेन कथा मध्ये कहिबो ब्रेन रो आउटर कवरिंग को हमें कोन कहउछंती स्पाइनल कॉर्ड रो आउटर कवरिंग को हमें कोन कहउछन मते कहिबो लिसन बाबा मो कथा मन देई सुनिबो हार्ट रो आउटर कवरिंग को हमें पेरिकार्डियम कहउछन ये सन नो हार्ट रो आउटर कवरिंग को हमें कोन कहउछन पेरिकार्डियम कहउछन ब्रेन रो आउटर कवरिंग को मेनिंजिस कहउछन मेनिंजिस ओके मेनिंजिस कहउछन एंड स्पाइनल कॉर्ड रो भी आउटर कवरिंग को हमें कोन कहउछन मेनिंजिस कहउछन बट लंग्स रो आउटर कवरिंग को हमें कोन कहउछे ना प्लूराल मेम्ब्रेन कहउछन ठीक अछि ता ए ऑप्शन टा राइट आंसर हबो ओके लंग्स रो ना बाबा नेक्स्ट व्हिच ऑफ दिस कॉजेस डेंगू डेंगू डिजीज टा का द्वारा हुए डेंगू डिजीज टा का द्वारा हुए आंसर कोन डेंगू टा डेंगू टा डेंगू असले म कहितली ना रे डेंगू असला किबा चिकुनगुनिया असला डेंगू असे किबा चिकुनगुनिया असे तापर कोन कहितली ना येलो फीवर असे हला येलो फीवर असला किबा जिका असला का द्वारा हुए मन रखिए कौन ना फीमेल आडिस मस्किटो द्वारा तो आंसर कौन आप फीमेल आडिस मस्किटो हम ठीक अच्छे आंसर कौन ना ए ऑप्शन राइट आंसर दैट इज फीमेल आडिस मस्किटो द्वारा ऑल क्लियर बुझी पारे आंसर कौन ना फीमेल आडिस मस्किटो द्वारा यू डीज गुडाक कौन कह रहा फीमेल आडिस मस्किटो हम जो डीज गुडा भैक्टर गुडाक डेंगू रो चिकुनगुनिया रो येलो फीवर रो एंड जिक्के रो टिक्का रो हला नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट इज द कॉमन नेम व्हाइट प्लेग कोडा कमे व्हाइट प्लेग कोचन की मत आंसर कोई पर व्हाइट प्लेग कोडा कमे व्हाइट प्लेग कोचन फर्स्ट आंसर की कोचन देखिबा व्हाट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग कोडा कमे व्हाइट प्लेग कोचन टाइफाइड मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस एचआईवी आंसर कोन व्हाट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग कोडा कुछ व्हाइट प्लेग मन रखिबे ट्यूबरकुलोसिस सी ऑप्शन टा राइट आंसर हबो ठीक अछि सी ऑप्शन ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्टियस डिजीज यूजुअली कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम कोनो ना ट्यूबरकुलोसिस द्वारा हेतै ठीक अछि तो टीबी टा को हम व्हाइट प्लेग कहउछन क्लियर
बुझी परिले व्हाइट प्लेग जडा के हमर ट्यूबरकुलोसिस आसे ठीक अछि चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन आसला व्हाट इज प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड प्लांट सेल वॉल काहे तयार लिपिड विटामिन सेलुलोज प्रोटीन व्हाट इज प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ प्लांट सेल वॉल काहे रे तयार प्लांट सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ दिस लिपिड विटामिन सेलुलोज प्रोटीन प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ कोन आंसर आंसर कौन टाइप टीबी पाई मोंटुक्स टेस्ट वेरी गुड व्हाट इज प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड विटामिन सेलुलोज प्रोटीन कौन आंसर कहरे थ्योरी आंसर कौन आपण करो ना प्लेन प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ कौन आपण सेलुलोज हो ठीक अछि ओके आंसर कौन हो ना सेलुलोज हो ठीक अछि चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया एंड काली ठीक 4टा रे कोडी आउडे सेशन नै के आसी स्टैटिक रो एंड आमे डेली स्टैटिक रो सेशन नै के आसीबा एवरीडे इमिति स्टैटिक सेशन नै के आसीबा 4टा रे एंड ठीक 7टा रे अपनानक पई साइंस रो सेशन मध्ये नै के आसीबे ठीक अछि साइंस रो सेशन मध्ये नै के आसीबे ठीक 4टा रे ठीक 7टा रे अपना जॉइन करंतु एंड चेष्टा करबा किछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करे पई आज जेतु साउंड ये क्लियर नै अपनाने प्रॉपर सुनी परु नांदी पे सेशन को मई एंड करूची काली ठीक ठाक साउंड थिबो साउंड एंड कैमरा मध्ये क्लिक माने क्लियर थिबो काली आमे क्लासेस करबा ठीक अछि काली ठीक 4टा रे मौत रासिबी ठीक 4टा रे स्टैटिक रो क्वेश्चंस नै के आसीबी एंड ठीक 7टा रे साइंस रो क्वेश्चंस नै के आसीबी काली आमे डिस्कशन करबा थैंक यू एवरीवन एंड काली आउ ठीक संध्या बेले मिसिया खाली ठीक 4टा रे मिसिबा ओके थैंक यू पिला मन थैंक यू।